बंटी कबूतर और टुनटुनी सब्जियों की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर उनका छोटा सा खेत था। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाई हैं। हाँ टुनटुनी, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां आ जाएंगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इन पौधों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ वो तो रखेंगे ही, मैं और आप कोशिश करते रहेंगे। टुनटुनी और बंटी कबूतर मिलकर अपनी सब्जियों के खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उनके खेत ही उन दोनों की कमाई का जरिया थे। धीरे धीरे उनके पौधों में सब्जियां लग गईं। ये देखकर वो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन टुनटुनी ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पर है। अजी सुनते हो, सारा राशन खत्म होने वाला है, आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा, ठीक है। उस रात टुनटुनी और बंटी कबूतर सो गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। तभी एक बिजली की आवाज़ सुनकर टुनटुनी की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज़ सुनी और अपने पति को उठाने लगी। अजी उठिए उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है। क्या? हाँ आवाज़ सुनिए। जब बंटी कबूतर डाल पर आकर देखता है, तब तक तेज आंधी से सारे पेड़ पौधे उखड़ चुके थे। टुनटुनी, सारे पौधे उखड़ चुके हैं, हे राम। आप पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है, अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, तूने सारी मेहनत बेकार कर दी, अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? रो मत टुनटुनी, कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके थे। ये सोचकर वो दोनों परेशान थे। और सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया, आंधियां बंद हो गईं। फिर टुनटुनी और बंटी कबूतर अपने खेत में आए। यहाँ तो सब कुछ तितर बितर हो चुका है सिवाय इस कद्दू के। तभी उनकी नजरों के सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, क्यों ना हम इसे घर में ही रखें? कम से कम इसकी सब्जी बनाकर कुछ रोज हम दोनों का पेट तो भर सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो टुनटुनी, चलो इसे अंदर ले चलते हैं। बंटी कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। बंटी कबूतर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू देना टुनटुनी। टुनटुनी ने बंटी कबूतर को चाकू दिया और जैसे ही बंटी कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। ये क्या, आप आराम से चीरिए। बंटी कबूतर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर उन्हें एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची दिखी। हैं, ऊपर वाले कद्दू में ये बच्ची कैसे आ गई? ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ लगता है इसे भूख लगी है, इसके लिए थोड़ा दूध ले आऊं, पर घर में तो दूध भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोस की हरी काकी से ले आती हूँ, जब तक आप इसे संभालिए। टुनटुनी दूध लेने पड़ोसन के घर चली गई और यहाँ बंटी कबूतर चिड़िया के बच्चे को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर की चिड़िया का बच्चा कैसे आ गया? लगता है ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, जरूर ये करिश्माई है। कुछ देर बाद टुनटुनी दूध लेकर आ गई। टुनटुनी ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया वैसे ही उसके पंखों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, ये जरूर कोई जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते, अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं, तो अब हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गरीबी की तकलीफ क्या है वो हमें ही पता है। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने उस चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर दिया। वो दोनों रोज जंगल के गरीब पक्षियों को खाना बांटा करते थे। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। शुक्रिया कालू कौवे, शुक्रिया। टुनटुनी और बंटी कबूतर गरीब पक्षियों की मदद करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक
एक समय की बात है, सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया और अपनी सौतेली माँ रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया की मौत कुछ महीनों पहले एक सांप के काटने के कारण हो गई थी। तब बंटी कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया उसी की बेटी थी। पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना पका रही थी, तभी पिंकी वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ, जैसे ही चाय उबल जाएगी मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय लाकर पिंकी को देती है। चाय पीते ही पिंकी टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसी बनाई है, इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है, ले इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो उस चाय के प्याले को फेंक देती है। पिंकी चिड़िया का गुस्सा देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज़ सुनकर रानी चिड़िया वहाँ आती है। तब टुनटुनी रोते हुए उससे कहती है, माँ ये देखो दीदी ने सारी चाय फेंक दी। आहाहा टुनटुनी, तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर, चल अब चलकर सफाई कर। टुनटुनी को पूरा घोंसला साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद टुनटुनी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? पिंकी चिड़िया मुझे बहुत सताती है, पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है, तूने प्रेस तो कर दिया है ना? पिंकी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है और कहती है, नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है, अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं। तब रानी चिड़िया पिंकी से कहती है, बेटा अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा, इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानी चिड़िया टुनटुनी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे टुनटुनी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। माँ मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी, मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है, तेरे साथ पिंकी चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके टुनटुनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, पिंकी चिड़िया उसे कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। पिंकी चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले टुनटुनी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले किसी तरह से। दीदी तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से लो और ऊपर आ जाओ। पिंकी चिड़िया रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है।